इंदौर में शनिवार रात सरवटे बस स्टैंड पर 4 मंजिला MS होटल अचानक भरभराकर गिर पड़ी। इस हादसे में 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे जिनका इलाज MY अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से ही होटल मालिक पूरे परिवार के साथ फरार हो गया था। छोटी ग्वाल टोली थाने की पुलिस ने होटल के मालिक शंकर पारवानी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। कई बार आरोपी के घर पुलिस गई, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस होटल मालिक शंकर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इंदौर पुलिस ने शंकर की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम रखा है। जो भी उसको पकड़ने या उसका पता बताएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कुछ रिश्तेदारों से भी पूछताछ की है और उन्हें भी हिरासत में लिया है। जिनसे पारवानी के बारे में पूछताछ की जा रही है, वही पारवानी की तलाश में आज एक टीम शहर के बाहर भी भेजी जाएगी। इंदौर से दीपक जायसवाल की रिपोर्ट। इस पूरे मामले में छोटी ग्वालटोली थाने में अनावेदक के विरुद्ध, यानी कि जो उस पूरे होटल का जो मालिक था और जिसने इस तरह की लापरवाही घटित करके इस तरह की घटना की परिस्थितियां पैदा की, उसके विरुद्ध 304 IPC में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इस आरोप के अंतर्गत उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और फिलहाल पुलिस ने दबिश भी दी है, फरार है, जिसके कारण उस पर 10,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। सर, इसमें एक बात काफ़ी उठ रही है कि DPS में प्रिंसिपल के खिलाफ जिस तरह से मामला दर्ज हुआ था, तो पुलिस इसमें नगर निगम के किसी लापरवाह अधिकारी या और कोई मामला दर्ज होगा? इसमें पूरी टीम जांच कर रही है। इसमें पूरी तरह से जो एक टीम है, मुख्य तौर पर CSP और लगभग कुल 7 लोगों की टीम है, उस पूरे मामले की इसमें जांच कर रही है।